किल्लाईपी तुम कहाँ हो? क्रेटोस ने देखा, लेकिन उनकी बेटी को कहीं नहीं देखा गया था। कमरे के बीच में एक सुंदर आकृति बैठी थी, एक ऐसी आकृति जिसे बहुत अच्छी तरह से पहचाना था। परसिफोन पाताल लोक की पत्नी और मरे हुए लोगों की रानी थी। मेरी बेटी का है डायन। अपने शब्द सावधानी से चुनो क्रेटोस। आप दुनिया की देवी को संबोधित करते हैं। आपकी बेटी ठीक है, वह एलिशियंस फील्ड्स में शुद्ध आत्माओं के बीच रहती है। मुझे उसके पास ले चलो। क्या आप भूल गए हो क्रेटोस, ओलंपस को आपकी ज़रूरत है। वे मोफियस के हाथ में सो जाते हैं। मैंने ईमानदारी से देवताओं की सेवा की है, फिर भी वह मुझे नहीं देते जो मैं मांगता हूँ। मैं उनकी मांगों से थक जाता हूँ। ओलंपस के देवताओं ने मुझे भी विफल कर दिया है क्रेटोस। मुझे ज्यूस ने धोखा दिया और मेरे पति पातालोक ने धोखा दिया। अब मुझे अंडरवर्ल्ड में मृतकों की रानी के रूप में रहना है, गिरे हुए लोगों की सेवा करना और अपने बच्चों की जरूरत देखभाल करना। परसिफोन, मैं अपनी बेटी को देखने की मांग करता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। अगर आप अपनी सच्ची इच्छा को पूरा करते तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन सावधान रहे क्रेटोस, आपकी पसंद के कारण मनुष्य की दुनिया पीड़ित होगी। मुझे दुनिया और उसके थोड़े दुखों की परवाह है। वह कहाँ है? यदि आप अपनी बेटी से फिर से देखना चाहते हैं तो आपको एलिशंस के योग्य बनना होगा। अपने हथियार इस पेड़ पर छोड़ दो और इसे अपने अतीत की बुराई को दूर करने दो। केवल तभी अपने पापों से मुक्त होगे और दिव्य दारों के माध्यम से आपको मार्ग प्रदान किया जाएगा। आप कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ हूँ मेरी बच्ची, अब मैं फिर से कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने एक साल तक आप पर दयनीय नशों लोगों को देखा है और यह हमेशा ऐसा ही होता है। दूसरों की ज़रूरत से पहले खुद की सेवा करना हमेशा आपकी कमी रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए आप मेरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यह सब खत्म होने से पहले आपके आने का समय है। टाइटन अपनी भूमिका निभाएंगे और जो मैंने शुरू किया है उसे वो पूरा करेंगे। मैंने एटलस जारी किया है। आप जिस तरह अपने आप को पूरी तरह से निशस्त्र कर रहे थे, एटलस उस कार्य को पूरा करता है जिसे मैंने उसे करने के लिए निर्धारित किया था। अपने हाथों में सूर्य की शक्ति के साथ, यह केवल समय की बात है। इससे पहले कि दुनिया को धारण करने वाला स्तंभ और इसके साथ ओलंपस को नष्ट कर दे। लेकिन क्यों? क्या आपको लगता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना जिसे मैं प्यार नहीं करती थी, एक ऐसा जीवन जिया है जिसे मैंने नहीं चुना? मुझे उन देवताओं ने धोखा दिया है जिसे मुझे कभी अपना देखा था। एक बार स्तंभ नष्ट हो जाने के बाद दुनिया अराजकता में वापस आ जाएगी और आप उससे क्या मिलेगा? मुझे शांति मिलेगी और मैं दयनीय अस्तित्व को फ्री फाई करूँगी। मैं नष्ट हो जाऊँगी, लेकिन जो मेरी पसंद है। पिताजी, क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। आपने अपनी बेटी के साथ रहने के स्वार्थ में आपने उसे बर्बाद कर दिया है। नहीं, एलिशियन फॉल्स टू क्रेटोस, वो नष्ट हो जाएगा। ना, मैं देवताओं को उसे अपने पास दोबारा नहीं लेने दूंगा।
पिताजी। पिता उसके लिए स्पष्ट था, लेकिन उसे बचाना असंभव था। अपनी बेटी के साथ रहना मतलब दुनिया का अंत और उसका भी अंत। परसेफन और एटलस को रोकने का मतलब होगा कि अपनी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ देना। जबकि देवताओं के प्रति उनकी घृणा व क्रोध उन्होंने और मजबूत किया, लेकिन क्रेटोस जानता था कि अभी एक काम बाकी है। क्रेटोस ने जल्दी महसूस किया कि मानवता ने जो हासिल की है वह शक्ति उसने खो दी है। अगर वो परसेफन को हराना चाहता है तो उसे एक बार और राक्षस बनने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वह अपनी बच्ची को बचाना चाहता है तो उसे एक बार फिर स्पाटों का भूत बनना होगा। उसे उसके साथ अपना जीवन बलिदान करना होगा ताकि वह जीवित रहे। उस समय क्रेटोस को पता चल गया था कि उसकी कीमत कैलिब के साथ नहीं है।
भाग्य उस तरह का कभी नहीं था। At that moment, Kratos knew his destiny was not with Calliope. The fates were never that kind. Spartan, witness the end.
Go to her. Be with her. Leave this world behind. Human.
आपका दुख कभी खत्म नहीं होगा केटोस। शायद आपको विश्वास है कि ओलंपियन आपकी मदद करेंगे, लेकिन मैं पूछता हूँ, आपके देवता कहाँ है क्रेटोस? वे आपकी सहायता के लिए क्यों नहीं आते हैं? मुझे देवताओं की सहायता की आवश्यकता नहीं है, अब मेरा रास्ता साफ हो गया और वे मुझे अतिथि से मुक्त करने का वादा पूरा करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एक ओलंपियन का वादा अच्छा है? मेरे पास यह सब है एटलस। एटलस की अग्नि स्पार्टन ने मिली थी और भाग्य ने उसे मान लिया है। एक दिन आपने जो जहा किया है उसके लिए आपको पछताना होगा। ताकतवर एटलस को छोड़ दिया गया था हमेशा के लिए अपने कंधों पर दुनिया को पकड़ने के लिए स्थापित, जिसने को टाइटस पर रखी थी उससे भी बड़ी तपस्या। एटलस का भाग्य सील कर दिया गया है और देवी खुद भी नहीं थी। क्रेटोस ने मानव जाति को बचाया था, लेकिन उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अपनी बेटी को छोड़कर उसने उस एकमात्र व्यक्ति को छोड़ दिया जिसकी उसे कभी परवाह नहीं थी और जिसे वो लंबे समय से चाहता था, वो राखी कर वो पाया, अब हमेशा के लिए खो गया था। जैसे ही सूर्य आकाश में उठा और हेलिस की शक्ति फिर से दुनिया में चमक उठी, मोफियस छाया में पीछे हट गया। क्रेटोस ने अपनी जीत पर थोड़ा संतोष मिला। उसके सामने वर्षों के दास्ता के साथ उसे अपने अतीत का सामना करने और अपनी खोई हुई मानवता को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए आवश्यकता होगी, जिस दिन उस डार्क लेजेंड का जन्म हुआ था।